अनुभव आज के वर्तमान के समय में आज के इस युग में आज की इस व्यवस्थाओं में आज के इस काल चक्र में आज के इस दौर में इंसान अनेक कारणों से दुखी है बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिंदगी में जो इंसान को दुख देते हैं चाहे वह व्यापार का हो चाहे वह परिवार का हो चाहे वह रिश्तेदारों का हो चाहे वह मित्र मंडली का हो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो इंसान को दुखी करते रहते हैं लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण जो है जो इंसान को बहुत ज़्यादा दुखी करता है वह है तुलना आज का इंसान तुलना करने के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है आज का इंसान अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करता है और दूसरों से तुलना करने के कारण वह सुख का आनंद ले ही नहीं पाता आप विचार करें कि आप क्या जिसकी आप तुलना कर रहे हैं वह तुलना करने योग्य है आप जिसके साथ में अपनी तुलना करते हैं क्या आप योग्य हैं कि हम उस व्यक्ति से तुलना करें आज वर्तमान में हम जो तुलना करते हैं वह इंसान से नहीं करते हैं बल्कि उसकी गाड़ी से उसके पैसे से उसके मकान से उसकी दुकान से उसके व्यापार से उसके परिवार से उसके वस्त्रों से उसके आभूषणों से उसके पास जो वस्तुएं हैं उनसे हम अपनी तुलना करने का प्रयास करते हैं यदि आप इंसान से अपनी तुलना करोगे तो हो सकता है कि आपको कुछ सुधार जीवन में आ जाए लेकिन आप वह ऐसा करता है वह ऐसा क्यों करता है अरे भाई आप कैसा करते हो आप कैसा क्यों करते हो कभी यह भी तो तुलना करो हमारी दृष्टि मात्र बहिरंग पर जा रही है हमारी दृष्टि मात्र बाह्य परिणामों की ओर जा रही है हमारी दृष्टि मात्र बहिरंग जो क्रियाएं हैं उसमें जा रही है अरे आप उसके मकान को उसके दुकान को उसकी गाड़ी को उसके बंगले को उसके परिवार को क्यों देखते हो आप उसके अंतरंग के भाव को भी तो कि वह उस गाड़ी से, उस से तीर्थ यात्रा पर कितने बार जाता है वह उस गाड़ी से कितने लोगों की सहायता करने जाता है आप सिर्फ गाड़ी को देखते हो गाड़ी के बाद की वस्तुओं को भी तो देखिए वह अपनी गाड़ी में कई बार रस्ते चलते लोगों को बैठाता भी है रायगीर की मदद भी करता है आप गाड़ी को देखने के साथ इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन में आपने सिर्फ गाड़ी से अपनी तुलना करी है लेकिन गाड़ी के बात के जो काम है उससे भी तो तुलना करिए एक बार एक चीटी बड़ी दुखी हुई चीटी बड़ी दुखी हुई उसने कहा कि मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है मुझे कोई भी पैर से कुचल देता है मुझे कोई भी कहीं पर भी पानी में बहा देता है मुझे कहीं पर भी लोग ऐसे झाड़ू से निकाल देते हैं मेरा कोई अस्तित्व नहीं है वह दुखी हो गई रोने लग गई जैसे आप दुखी होते हैं हम दुखी होते हैं रोते हैं चिल्लाते हैं तो ऐसे जानवर भी अपनी भाषा में रोते चिल्लाते दुखी तो होते होंगे क्या उनके प्राण नहीं है क्या उनके अंदर संवेदना नहीं है क्या उनके अंदर भावनाएं नहीं है सब कुछ है लेकिन जिस तरह से आपको अपने पड़ोसी की संवेदना नहीं दिखती है पड़ोसी की भावना नहीं दिखती है पड़ोसी की इच्छा नहीं दिखती है उसी प्रकार से आपको जीवों की इच्छा नहीं दिखती है तो मैं आपको बता रहा था कि चीटी बड़ी दुखी हुई रुदन करने लगी समस्या से ग्रसित हो गई तो वह रोने लगी तो जंगल में एक देव आए उसने कहा क्यों रोते हो बोले मैं चीटी के जीवन से दुखी हो गई मेरा कोई अस्तित्व नहीं है मुझे ना कोई झाड़ू से निकालता है कोई पानी में बहा देता है कोई कुचल देता है मेरा कोई अस्तित्व नहीं है तो बोले क्या चाहते हो चीटी से पूछा तुम क्या चाहते हो चीटी ने कहा मुझे तो कीड़ा बना दो क्या करो मुझे कीड़ा तो बना दो कम से कम कीड़ा जो होता है वह कहीं भी जा सकता है उड़ने वाले कीड़े हुआ करते हैं वह उड़के कहीं बच के तो जा सकते हैं तो उस देव ने कहा कि मैं तुम्हें कीड़ा बना दूंगा लेकिन एक बार अपन चल के कीड़े से मिल लेते हैं या कीड़ा सुखी है क्या कीड़ा सुखी है यह बात चीटी और देव कीड़े के पास पहुंचे और उन्होंने उस कीड़े से कहा कि कीड़े भाई आप स्वस्थ हैं आनंद में है कहने लगा अरे काहे का आनंद काहे का, का परमानंद काहे की शांति बोले क्यों क्या हुआ आपके जीवन में आप उड़ सकते हैं कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं बोले मेरा कोई अस्तित्व नहीं है रात को यदि मैं लाइट पर जाकर बैठ जाऊं तो सुबह तक तो मेरा काम तमाम हो जाता है रात को यदि मैं कहीं किसी के घर पर चले जाऊं तो लोग मुझे मार, मार कर समाप्त कर देते हैं तो मुझे सुख नहीं है तो बोले आप क्या चाहते हो कीड़ा बोला मैं तो मकड़ी बनना चाहता हूं क्या कहा मैं तो मकड़ी बनना चाहता हूं चीटी अपनी तुलना कीड़े से करती थी कीड़ा अपनी तुलना मकड़ी से कर रहा है तो देव बोले ठीक है मैं तुम दोनों को मकड़ी बना दूंगा लेकिन एक बार कम से कम मकड़ी से जाकर भी तो पूछ लें कि वो सुखी है कि नहीं है अब चीटी कीड़ा और दिव ये तीनों मकड़ी के पास पहुंचे मकड़ी के पास गए बोले मकड़ी जी मकड़ी रानी आप तो बहुत अच्छे हैं आप जगह जगह पर जाला बना देते हैं आप जगह जगह पर ऐसा काम कर देते हैं निर्मम जंगल में पेड़ों पर तमाम 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 जगह आप जाला बनाने का प्रयास करते हैं आप तो बड़े आनंद में होंगे मकड़ी ने कहा मेरी की व्यथा मैं ही जानू जिस प्रकार से आप दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हो तो समझते हो कि ये खुश है लेकिन कई बार मुस्कराने वाले के भी दिल में दर्द होता है और उस दर्द को कोई जान नहीं पाता जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति रोता है वही दर्द में हो कई बार मुस्कुराने वाले भी दर्द सहित होते हैं लेकिन उनकी मुस्कुराहट का दर्द कोई जान नहीं पाता तो मकड़ी ने बात बता दी बोले मैं जाला बनाती हूं इतनी मेहनत से जाला बनाया करती हूं और उस जाला को उस जाले को कोई भी आकर झाड़ देता है और हटाकर उसको समाप्त कर देता है चिड़िया के घोंसले के पास जाला बना लेती हूं तो चिड़िया आकर अपने इधर उधर पंखों के माध्यम से चौच के माध्यम से उसके आकर लोग मेरे जाले को हटा देते हैं इसका मतलब मकड़ी भी दुखी है तो देव ने पूछा कि मकड़ी से तुम क्या बनना चाहते हो बोले मुझे तो आप कौआ बना दो क्या करो मुझे तो आप कौआ बना दो कम से कम मैं जहां तहां जाकर लोगों के वहां पर कांव काउ तो करूं कौआ समझते हो कौन से कलर का होता है काले कलर का और क्या करता है काऊ काऊ काओ जिस समय हम लोग ज्यादा काओ 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 करते हैं समझ लिया कि हम लोग कौए हैं तो अब चीटी दुखी कीड़ा सुखी कीड़ा दुखी मकड़ी सुखी और मकड़ी दुखी कौआ सुखी तो देव कहने लगे ऐसा करते हैं अपन कौए से पूछ लेते हैं कि तुमको दिक्कत तो नहीं कौ के पास में गए बोले काकराज किसी आदमी को प्रेम से बोलो खुश हो जाएगा काने को काना कहोगे झगड़ा हो जाएगा अंधे को अंधा कहोगे झगड़ा हो जाएगा लेकिन पूछ लो सूरदास जी इस सही से काम हो जाएगा तो कौए से पूछे आप तो काकराज जी बड़े प्रसन्न लग रहे हो अरे बोले क्या प्रसन्न हो मैं कहीं पर भी जाता हूं लोग मुझे भगा देते हैं कहीं शांति से बैठने ही नहीं देते इसका मतलब कौआ भी दुखी तो उनने पूछा कौए से तुम क्या बनना चाहते हो उन्होंने कहा मुझे तो तोता बना दो तोता हरा होता है उसको लोग बुला बुलाकर मिर्ची खाने को देते हैं मुझे तो आप तोता बना दीजिए तो चीटी बनना चाहती कीड़ा कीड़ा बनना चाहता मकड़ी मकड़ी बनना चाहता कौआ और कौआ बनना चाहता तोता तो सब लोग बोले अब तो तोता ही बना दो चीटी बोली मुझे तोता बना दो सब बोले तो देव बोले कि तोते से और मिल लेते हैं तोते से मिलने गए तोता तोता अपना जो होता होता है तोता होता है क्या कर, क्या बोलता है वो क्या बोलता है कोई तो जैजिन भी बोलता है कोई राम राम भी बोलता है कोई कुछ बोलता है एकदम अच्छे सुंदर से तोते के पास में गए बोले वाह तोते राज कितना बढ़िया पिंजड़ा है सोने के पिंजड़े में हो बोले बेड़ी तो बेड़ी होती है चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो आप तो कितने खुशनसीब हो आपको हरी मिर्ची मिलती है टमाटर खाने को मिलता है रोटी पूरी पकौड़ी खाने को मिलती है बोले भाई मुझे सब कुछ मिलता है सब कुछ मिलता है लेकिन मुझे पानी में तैरने की आजादी कहां मुझे अंदर बंद रहना पड़ता है और बस सिर्फ लोग मुझे बच्चे आते हैं कोई मिर्ची खिलाता है कोई मेरे उसको खींचता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है मुझसे अच्छा तो हंस है तो देव बोले आप क्या चाहते हो बोले मुझे तो हंस बना दो हंस देखने में सफेद पानी में तैरता है नीचे पैडल की तरह तैर के चलता है सबको लगा हंस श्रेष्ठ है हंस के पास पहुंचे देव बोले काम करो हंस से और मिल लेते हैं हंस के पास पहुंचे हंस के पास पहुंचे तो उससे पूछा वाह हंस महाराज क्या सफेदी है क्या आपका चेहरा एकदम सफेद खिल रहता है बोले मुझसे पूछो मेरे ऊपर क्या बीतती है बोले क्या बीतती है बोले जब मैं पानी में पैडल मारता हूं और उस समय यदि कोई नाव वगैरह आती है तो मुझे अपनी जान बचाना पड़ता है कई बार तो लोग मुझे पकड़ पकड़ ले जाते हैं इसलिए मैं तो सुखी नहीं हूं कीड़ा मकड़ी बनना चाहता है मकड़ी कौ बनना चाहती है कौआ तोता बनना चाहता है तोता हंस बनना चाहता है तो देव ने बोला हंस से आप क्या बनना चाहते हो तो उसने कहा मैं तो मोर बनना चाहता हूं मैं तो मोर बनना चाहता हूं मोर सुंदर होता है जब नाचता है तो लोग सोचते हैं कि बारिश होने वाली है मैं ऐसा मोर बनना चाहता हूं तो बोले चलो मोर के पास चलते हैं देव चीटी कीड़ा मकड़ी तोता हंस सारे के सारे चले मोर के पास तो मोर के पास पहुंचे और मोर के पास जाने के बाद में उन्होंने कहा कि मोर राज पशुओं में राजा शेर है और पक्षियों में राजा मोर है बोले तुम तो पक्षियों के राजा हो तुम देर नाचते हो तो लोग तुम्हारा तुम्हारा इंतजार करते हैं तुम्हारे पीहू पीहू की आवाज सुनना चाहते हैं तुम कितने सुंदर हो कितने अच्छे लगते हो कितने ऐसे लगते हो कितने वैसे लगते हो तरह तरह की बात हुई मोर ने कहा यह सब तो ठीक है लेकिन मैं जंगल में रहता हूं मुझे जानवर खा जाते हैं हिरण कई बार मुझे धक्का दे दे के भगाता है कई बार मुझे हिरण के कारण भगना पड़ता है ये होना पड़ता हो ना होना पड़ता है तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो तो मोर ने कहा मोर ने कहा मुझे तो हिरण बना दो हिरण बन जाऊंगा तो जल्दी जल्दी कुदाली कुदाली मारकर भाग जाऊंगा शिकारी आएगा तो मैं के ज्यादा भाग नहीं पाता हूं लेकिन हिरण की तरह जल्दी जल्दी पगधर कर भाग जाऊंगा तो सब बोले अब तो हिरणी बना दो हिरण से अच्छा कोई नहीं अच्छा तेज भागता है तो देव बोले एक काम करो हिरण से और मिलते हैं हिरण के पास गए बोले हिरण जी क्या चाल है क्या सींग है क्या आंखें हैं सब चीजें हैं हिरण कहने लगा यही तो आप लोग की भूल है मुझसे पूछो मेरी क्या बीतती है जब मेरे सामने शेर आता है तो मुझे ऐसा भागना पड़ता है कई बार तो अपने बच्चे को लेकर भागना पड़ता है और बच्चे के कारण मुझे मरना भी पड़ता है पढ़ते ही हो आप लोग मृगी मृगम तो हिरण से पूछे आप क्या चाहते हो बोले मुझे तो शेर बना दो शेर जंगल का राजा होता है मुझे तो शेर बना दो तो सब बोले शेर बना दो अब तो होता क्या है ना कि हम अपनी तुलना जब दूसरे से करते हैं तो उसके पास जो वस्तु है हम वह पाने का प्रयास करते हैं लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि वह जो वस्तु उसके पास में है वह भी कितने तकलीफ में है आप किसी के सुंदर कपड़े पहनकर यह मत देखो कि वह स्वस्थ होगा बल्कि उसके कपड़े ढके हुए हाथों को देखकर यह समझना कि हो सकता है कि यहां पर सफेद कोड़ हो इसे डबल कपड़ा पहना हुआ है किसी के सुंदर कपड़े को पहनकर यह मत सोचना कि वह अंतरंग से भी सुंदर है हो सकता है कि बहिरंग से सुंदर हो लेकिन अंतरंग से बहुत अस्वस्थ हो किसी की आंख पर सुंदर सा चश्मा देखकर यह मत सोचना कि चश्मा कौन सी कंपनी का है बल्कि कभी यह भी सोचना कहीं एक आधा फूटी तो नहीं है इसलिए ऐसा चश्मा लगा रखा है ऐसा अक्सर होता है पीछे से कोई खड़ा है उसको देखकर लोग तरह तरह की बातें सोचते हैं और आगे जाते हैं तो मिलता है अस्सी साल का आदमी कई बार पीछे के आदमी पीछे की चीज कर देखने लग जाता है कितना खूबसूरत है कितना ऐसा है कितना सुंदर है कितना सुशील है कितना ये है और जब उसके सामने जाते हैं तो देखते हैं दांत निकाल के हंस रहा है बाबा जी सारा काम समाप्त तो क्या हुआ शेर बनने की बात होगी शेर के पास पहुंचे शेर ने कहा वाह चीटी भी है कीड़ा भी है मकड़ी भी है कौआ भी है तोता भी है मोर भी है हंस भी है और हिरण भी है आज तो पूरी सेना है क्या बात है तो उन्होंने अपनी बात बताई तो शेर ने कहा मैं राजा हूं सब कुछ है लेकिन मैं तो हाथी से डरता हूं तो सबने सोचा ये बात तो सही है हाथी श्रेष्ठ है वह सब लोग मिलकर हाथी के पास पहुंचे बोले हाथी जी गजराज आपसे बड़ा दुनिया में कोई आदमी नहीं है आपसे सुंदर कोई आदमी नहीं है गजराज जी उसने कहा काय का, का सुंदर काय का भारी शरीर काय का कुछ जब मैं सोता हूं और मेरे कान में मेरे सून में चीटी घुस जाती है तो मेरे तो जीवन का सत्यानाश हो जाता है